Hello friends, welcome to AB videos. Friends, आज मैं आपके साथ मेथी वाली मक्की की रोटी यानी परांठे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि पंजाब के घर घर में सर्दियों में बनाई जाती है। बहुत से लोगों को मक्की की रोटी गोल और पतली बनानी नहीं आती, उनसे नहीं बनाई जाती। आज मैं आपके साथ बहुत इजी वे में मक्की की मेथी वाली परांठी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। देख लेंगे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें मक्की का आटा, एक बड़े वाली कटोरी भर के मैंने लिया है बाउल, ऐसे ही मेथी, दो यहां पे ली है मैंने हरी मिर्च, इसको छोटा छोटा कट कर लेंगे, चॉप कर लेंगे इनको, और हमें चाहिए होगा वार्म वाटर, हल्का गरम पानी, गुनगुना पानी, जिससे कि ये आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। हम एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें हम आटा डाल देंगे और साथ ही ये मेथी कट करके अच्छे से धो के, फ्रेंड्स मेथी को बहुत अच्छे से धोएंगे क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी मिट्टी रह जाएगी तो परांठी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और साथ ही जो हरी मिर्च हमने कट करी थी वो भी डाल देंगे। सभी ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। एक छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। गरम मसाला, थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। लाल मिर्च थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे। अजवाइन 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। हाथों की हेल्प से सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब इस अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा ये गर्म पानी ऐड करके इसको डो फॉर्म में बना लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हमने मसल मसल कर अच्छा सॉफ्ट कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट डो बन गया है। अब इसको हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मल पानी में आटा गूंदते हैं तो वो इतना सॉफ्ट नहीं बनता। अच्छी मक्की की रोटी बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा डो है वो अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए। जब हम वार्म वाटर में इसको गूंदेंगे तो बहुत अच्छा हमारा डो बनकर रेडी होगा। फ्रेंड्स, रोटी को बिल्कुल गोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोई भी पेपर ले लेंगे, उसको हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब एक ये इस तरह से लोई लेंगे इसकी, साथ में एक कटोरी भर कर पानी रख लेंगे। इस तरह से इसको हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे पेपर पर और इसको इसके ऊपर रखकर इस तरह से फैला देंगे। फ्रेंड्स, जो बिगनर हैं जिनसे मक्की की रोटी नहीं बनती वो भी बहुत इजीली इस तरह से बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी लगाकर हाथ पर इसको बेल लेंगे। ये देखिए किस तरह से हमारी परांठी गोल बन गई।
तवा गरम कर लेंगे, उस पर हम ऑयल डाल देंगे। अब ये जो हमने परांठी बेली है इसको इस तरह से पकड़कर तवे पे रख देंगे और ये जो पेपर है इसको ऊपर से उठा लेंगे। अच्छा ब्राउन होने तक इसको हम सेक लेंगे, साइड पर थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ देंगे। एक साइड को 2-3 मिनट पकने के लिए रख देंगे ऐसे ही। इसी तरह से हम दूसरी परांठी भी बेल लेंगे। पेपर पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से हम एक लोई ले लेंगे। थोड़ा फिंगर्स पर पानी लगा के इसको इस तरह से फैला लेंगे। एक साइड अच्छे से पक चुकी है, अब हम इस साइड पे ऑयल लगा देंगे और साइड पलट देंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया क्रिस्पी हो गई है इस साइड से। दूसरी साइड भी इसी तरह से पका लेंगे। चेक कर लेंगे दूसरी साइड भी, आप देख सकते हैं अच्छे से सिक चुकी है दोनों साइड से, ये बहुत क्रिस्पी हो गई है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरी परांठी डाल देंगे। तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और दूसरी परांठी को हम इस तरह से डालकर ऊपर से इसको भी उसी तरह से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए मक्की की क्रिस्पी मेथी की परांठी रेडी है। इसे हम मक्खन के साथ और दही के साथ सर्व कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बहुत ही बढ़िया लगती है, तो ट्राई कीजिए आप भी इस तरह से मक्की की मेथी वाली परांठी बनाना। और बनाकर कमेंट्स में भी फ्रेंड्स जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।